विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक गतिविधियों की सरगर्मियां तेज हो रही है। इसी कड़ी में मटियाला विधानसभा क्षेत्र के घुमनहेड़ा गांव में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सभा का आयोजन किया गया। ये आयोजन क्षेत्र के सम्मानित नागरिक राव सतवेश सिंह द्वारा किया गया था, जिसमें पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सभा में मटियाला विधानसभा के सभी गांव के प्रधान, आरडब्ल्यूए के प्रधान और बुद्धिजीवी वर्ग ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। दिल्ली सरकार की विफलताओं का जिक्र। सभा के दौरान सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली सरकार की विफलताओं को उजागर किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पिछले 3 कार्यकाल की नीतियों पर सवाल उठाए। इस दौरान बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली की बुनियादी संरचना, विशेषकर सड़कों और गलियों की बदतर स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, इस बार की बरसात ने दिल्ली की सड़कों का असली चेहरा उजागर कर दिया। बड़े बड़े गड्ढे और सड़कों का फटना आम बात हो गई है। गांव हो या कॉलोनियां, कहीं भी सड़कों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। गलियों में पानी का निकास नहीं होने से नालियां जाम हो रही हैं, जिससे आम लोगों, विशेषकर महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद सहरावत ने यह भी कहा कि दिल्ली की राजनीति में पिछले 28 वर्षों से बीजेपी को सत्ता में आने का मौका नहीं मिला है, जिसकी वजह से कई जनहितकारी योजनाएं दिल्ली के नागरिकों तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर आयुष्मान योजना का जिक्र किया, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, हमने इस योजना के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि दिल्ली के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जीवन में कभी आपको मुझे स्वागत करने की आवश्यकता नहीं और कभी ये सोचिएगा मतलब मेरी रूह कांप गई है जब आपने कहा कि हाथ जोड़कर राव सतवीर जी, मैं इस परिवार की जिम्मेवारी की पोस्ट पर आपने मुझे भेजा है तो मैं नतमस्तक हूँ आपके आगे। तो जीवन में कभी निवेदन नहीं, आदेश करना है आपको और उस आदेश के ऊपर मैं अपना 100% दूंगी। मैं इस बात का आपको वचन देती हूँ। कमलजीत सहरावत, तो ऐसा जब शब्द है तो इसका मतलब दूर कर रहे हैं। मैं इस परिवार की वो सदस्य हूँ जिसे सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिला है। एक साधारण परिवार की मैं बच्ची, 2008 से लेकर आज तक पीछे मुड़कर आपने देखने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा एहसान, लेकिन वो ताकत आप थी जो पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो ये मेरी ताकत है जो मेरे सामने बैठी है और इस ताकत की मैं कितनी ताकत बनूं इसकी हमेशा मैं कोशिश करती रहती हूँ। अब क्योंकि इसका नाम मार्गदर्शक सभा है तो हम बिल्कुल टू द पॉइंट काम की बात करें। मेरे बहुत बड़े यहाँ बैठे हैं जो लगातार इन कामों में लगे रहते हैं, जिन्हें शायद कोई इच्छा भी नहीं होगी राजनीतिक, लेकिन फिर भी वो लगते हैं कि समाज का भला होना चाहिए और हमारे पास तो वो जिम्मेवारी है, तो इसलिए हम भी अपनी जिम्मेवारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। एक भाई ने रास्ता में बात कहते कहते कहा कि इस पानी के लिए एलजी साहब भी जिम्मेवार हैं क्योंकि उन्होंने रावता गांव को गोद लिया था। तो हमारी जो बातें हैं वो हमें बिल्कुल स्पष्ट पता होनी चाहिए, आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद फैसला आपका है, क्योंकि कभी भी 100 व्यक्ति एक तरफ चल नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि अपनी जानकारी दुरुस्त रखिए। पटियाला विधानसभा की समस्याओं पर राव सतवीर सिंह का बयान। सभा के आयोजक राव सतवीर सिंह ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा, मटियाला विधानसभा के विधायक जनता की सेवा में नाकाम रहे हैं। क्षेत्र की सड़कें, गलियां, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सुविधाएं किसी भी तरह की कोई प्रगति नहीं कर पाए हैं। दिल्ली सरकार की नीतियां केवल अपना लाभ साधने के लिए है और आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। राव सतवीर सिंह ने जनता से बीजेपी को एक मौका देने की अपील की और भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनने पर क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों, स्टेडियम और वृद्धा पेंशन जैसी सभी सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं। सांसद कमलजीत सहरावत ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जाहिर की।
उन्होंने बताया कि इस साल दिल्ली में लगभग 1,00,000 लोगों के फेफड़े प्रदूषण की वजह से खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली सरकार की विफलता है कि वह प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में असफल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को स्वस्थ जीवन जीने का हक है और बीजेपी इसे प्रमुख मुद्दा मानती है। यदि हमें मौका मिला तो हम प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएंगे, उपस्थित गणमान्य और बीजेपी के स्थानीय नेता। इस सभा में बीजेपी के कई अन्य प्रमुख नेता और स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। नगली सकरावती से बीजेपी निगम पार्षद पवन शर्मा, रोशनपुरा से बांके पहलवान, नसबगढ़ से अमित खड़ाखड़ी और पालम छत्तीसगांव के खाप प्रधान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इन नेताओं ने जनता की समस्याओं पर चर्चा की और विश्वास दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनने पर मटियाला विधानसभा के हर कोने में विकास कार्य शुरू होंगे। मार्गदर्शन सभा आपने आयोजित की है, क्या उद्देश्य है इसके? मार्गदर्शक सभा नजफगढ़ दिल्ली देहात के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उनको साथ लेकर उनके मार्गदर्शन में हमारे जो रावता गांव के आसपास जो सीवर नालों की जो समस्या है, जो पानी भरा हुआ है 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में, उस जमीन को दिल्ली की फ्री फ्री की जांच से बस केजरीवाल सरकार वेटलैंड डिक्लेयर कर रही है उसको रोकने के लिए और उसका विरोध दर्ज कराने के लिए। और नजफगढ़ दिल्ली देहात में एक श्री नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय साउथ वेस्ट कैंपस की स्थापना हो इस मांग के साथ में, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम हो इसकी मांग के साथ में, और राव तुलाराम शहीद राव तुलाराम अस्पताल है उसके विस्तार होके वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने और उसमें मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिले, इसके लिए आज ये मार्गदर्शक सभा थी। और इसमें हमारे तमाम जितने भी वक्ता थे उन्होंने सहयोग देने का वायदा भी किया है। ऐसा हमें विश्वास है कि भारत सरकार आज आपके मंच पर सांसद कमलजीत सहरावत भी आई थी जी। तो चुनाव नजदीक है दिल्ली का, तो क्या मटियाला विधानसभा का चुनाव लड़ने का ये आगाज कह सकते हैं? नहीं, वो पार्टी का निर्णय है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 20-25 साल से सामाजिक काम में हूँ और ये समस्याएं जो क्षेत्र की होती है उनको उठाता रहा हूँ। चुनाव लड़ना एक अलग विषय है और सामाजिक समस्याएं जो हमारी रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनको लड़कर दूर कराना अलग विषय है। राजनीतिक पंचायत नहीं है ये, ना ही राजनीतिक मार्गदर्शन सभा है। इसमें हमने तमाम जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं उन विषयों को उठाते हुए यहाँ की समस्याओं को दूर करने की सभा है। आज दिल्ली में बरसातों में जो अभी हुआ, सड़कें टूटी, गलियां टूटी, नालियों से पानी का निकास नहीं, इन मुद्दों पर भी खासी बात हुई, यहाँ स्टेडियम को लेकर भी बात हुई, तो इन सारी चीजों को लेकर जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं राजनीति दिल्ली में जो फ्री फ्री की झांसे बाद चोर सरकार बैठी है, जनता ने उनको उनके झांसे में आके वोट दिया था, तो जनता उस दर्द को अब महसूस कर रही है और वो उसका भुगतान कहीं ना कहीं हम लोगों को करना पड़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी राव सतवीर सिंह को चुने तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी का निर्णय है जी, ये पार्टी जो निर्णय के कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र की समाज सेवा कर रहा हूँ, तो बस इतना ही मेरा विषय है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ वो चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ है, पार्टी का निर्णय पार्टी के साथ है। दिल्ली के लिए बीजेपी का विकास का विजन। सभा के दौरान सांसद सहरावत ने दिल्ली के लिए बीजेपी के स्पष्ट और सशक्त विकास विजन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों की मरम्मत, सार्वजनिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस बार बीजेपी को एक मौका दें और एक स्थायी और विकासशील सरकार का समर्थन करें। सांसद सहरावत ने इस बात पर जोर दिया कि यदि बीजेपी को दिल्ली की सेवा का मौका मिलता है तो पूरे मटियाला विधानसभा क्षेत्र में अस्पतालों, स्कूलों, स्टेडियम और वृद्धा पेंशन सहित सभी आवश्यक सेवाएं लोगों के द्वार तक पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाओं का लाभ दिलाना और प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाना है। आज घुमनेड़ा गांव में मार्गदर्शक सभा का आयोजन हुआ जिसमें आसपास के क्षेत्र के सभी बड़े और युवा महिला शक्ति सब एकत्रित हुए और समस्याओं का समाधान कैसे हो, क्या क्या समस्याएं हैं, इसके ऊपर पूरी चर्चा की गई। समाज में इस तरह की सभा का आयोजन बहुत ही प्रेरणादायक है क्योंकि इकट्ठा मिलकर बैठते हैं तो समस्याएं समझ में आती हैं, उनके कारण, उनके निदान की
क्या उपाय हो सकते हैं वो भी समझ में आता है। मुझे यहाँ पर बुलाया गया और इस सभा में मुझे सब लोगों से मिलने का मौका मिला, उनके विचार जानने को मौका मिला, तो मैं राव सतबीर जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस मार्गदर्शन सभा का आयोजन किया। दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा है मटियाला विधानसभा, और इस विधानसभा में अबकी बार देखा गया कि काफी रोड टूटे हुए थे, गलियां टूटी थी, पानी का निकास नहीं था, तो क्या कहते हैं इसमें आप? ये पूरी दिल्ली की समस्या है। आज सभी सड़कें टूटी हुई हैं, गली नाली में धूल उड़ रही है, पानी नहीं है, बिजली के मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक फेल है और AQI लेवल प्रदूषण 350-400 के बीच में है। दिल्ली गैस का चैम्बर बनी हुई है। क्या लगता है इस बार 28 साल के बाद फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी राज करेगी दिल्ली पर? देखिए, जनता जनार्दन ने अभी पीछे भी सातों सांसद दोनों पार्टी के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को जिता कर दिए हैं, अपना आशीर्वाद दिया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि दिल्ली की जनता 10 सालों के इनके जो काम हुए हैं उसके आधार पर विकास की राजनीति की तरफ अपना वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। सूत्रों से ज्ञात हुआ है सारे सांसद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सभी सांसद है कि जो पूर्व सांसद हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन बैठकर तय करता है, तो मैं उस अथॉरिटी में नहीं हूँ। जो भी चुनाव लड़ेगा वो कमल का फूल होगा। ये मार्गदर्शन सभा न केवल आगामी चुनावों के लिए एक तैयारियों का प्रतीक था बल्कि जनता को जागरूक करने का एक मंच भी था। जनता की भारी संख्या में उपस्थिति और उनके उत्साह ने ये सिद्ध किया कि लोग वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है और बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। सभा का समापन सांसद सहरावत और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के आशीर्वचनों से हुआ और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस सभा को मटियाला विधानसभा क्षेत्र में BJP की चुनावी रणनीति के एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले चुनाव में एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा।